नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव दुबे, आप देख रहे हो टेक्नो दुबे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे पैसा अर्न कर सकते हो। दोस्तों आपने YouTube पर ढेर सारी वीडियो देखा होगा जिसमें बताया गया है कि रातों रात लखपति कैसे बने, कैसे घर बैठे अनलिमिटेड पैसा कमाए। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों बिना मेहनत किए आप एक भी पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो समझदार लोग होते हैं वे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसे अर्न करते हैं। यानी कि दोस्तों समझदार लोग अपने पैसे को कहीं सेफ जगह पे इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा अर्न करते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाए जहाँ पे आपको सेफ और कुछ पैसा भी अर्न कर सके। तो दोस्तों इसके लिए म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बन सकता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसमें कैसे इन्वेस्ट करें, तो इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लीजिए। दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे ग्रो ऐप के द्वारा अपने पैसे को सेफली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप में अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। टेक्नोलॉजी की किसी छोटी या बड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए आप इस बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ग्रो ऐप का लोगो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको नीचे साइन अप वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे 6 अंक का कोई भी पासवर्ड डाल देने के बाद इस साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं इस साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जब आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई नंबर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसे आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है। तो दोस्तों सक्सेसफुली मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैन नंबर देना अनिवार्य है। दोस्तों ये सब प्रोसेस आपके सेफ्टी के लिए किया जाता है, तो आप इसे सही सही सारे प्रोसेस भर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं अपना पैन नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे सबसे ऊपर वाले कॉलम में आप अपना पूरा नेम दे दीजिए जो आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अगर आप नॉमिनी का इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अदरवाइज इस वाले ऑप्शन को आप ऑफ कर दीजिए। दोस्तों ये सारे डिटेल देने के बाद आपको इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ये सारे डिटेल भर करके इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर अपने माता का नाम और यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखने के बाद अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने बैंक का IFSC कोड डाल देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर आपके बैंक की सारी डिटेल आ जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ से नीचे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पे पहले आप अपना अकाउंट नंबर एंटर कीजिए और यहाँ पे फिर उसी अकाउंट नंबर को दोबारा एंटर करके इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे
अपना कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये सब प्रोसेस आपके सिक्योरिटी के लिए किए जा रहे हैं, तो आप अपना कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। सक्सेसफुली फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको एक वीडियो बनाने के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे कैमरे वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके 5 सेकेंड का कोई भी एक वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड का ओरिजिनल फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से गैलरी से फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अपना कैमरे से फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपना कोई भी एक आईडी दे करके एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उससे अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना एड्रेस वेरीफाई कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस का इंफॉर्मेशन मैनुअली एंटर करने के लिए कहा जाएगा। आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सारी डिटेल सही सही फिलअप कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको इस आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पे साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी एक साइन कर दीजिए। तो चलिए मैं अपना एक साइन कर देता हूँ। जब दोस्तों आप अपना साइन करेंगे और उसे सेव करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन कहा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि जो आपका अकाउंट है वह सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया गया है। अब आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको इस स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों इसके आगे की वीडियो म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इन्वेस्ट यहां से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप हमारे इस वीडियो के मदद से ग्रो ऐप में बड़ी आसानी से अकाउंट बना सकते हैं और इन्वेस्ट भी पैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।